विपत्ति का समय होता है ना, तब भगवान अपने साथ साथ होते हैं। जब सुख का समय आता है ना, तो भगवान अपने से दूर हो जाते हैं। माता कुंती ने भगवान से विपत्ति मांगी। क्यों मांगी? कुंती माता रोने लगी, बोली, हे कृष्ण, जब लाक्षागृह में आग लग गई, हम सब उसी गुफा में थे, सब जलकर मर गए होते, बचाया कौन? आपने। अज्ञात वास में थे, बचाया कौन? आपने। दुर्वासा ऋषि आ गए, श्राप देते थे, साख का टुकड़ा खा करके तृप्त किया किसने? आपने। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर लिया, यदि सूर्यास्त के पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं जलती चिता में अग्नि समाधि ले लूंगा। उस समय बचाया किसने? युधिष्ठिर जी ने दुर्योधन को ललकार दिया, हम पांचों पांडवों में से किसी को भी गदा युद्ध के लिए चुन सकते हो। नारायण ने कहा, भैया ये क्या कह दिया आपने? सत्य तो ये है कि आप पांचों में से कोई दुर्योधन को परास्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास माता गांधारी का आशीर्वाद है, उसका पूरा शरीर वज्र हो चुका है। तो कृष्ण, किस किस तरह से आप बचाए? आज जब मेरा पौत्र धर्म सम्राट परीक्षित राज सिंहासन पर बैठ गया, राजा बन गया, तो आप द्वारिका जा रहे हो, हमारा साथ छोड़ के जा रहे हो? नहीं कृष्ण, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे विपत्ति चाहिए, जो कि हमेशा आप मेरे साथ रहो। सुख में भगवान दूर रहते हैं और दुख में भगवान हमेशा अपने साथ रहते हैं। इसलिए अपने मन को, अपने वाणी को भगवान के श्री चरणों में लेकर चले।